और प्रधानमंत्री मोदी के लगातार ये दावे हैं, हम 400 पार इस बार करने वाले हैं जी। वहीं कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार ये 150 पर ही सिमट जाएंगे जी। तो जो खिलाड़ियों के साथ जो अपमान हुआ था उसके वजह से वहाँ के लोगों में भी गुस्सा है जी। आपने देखा होगा कि बीजेपी का जो ये टेन्योर था 2019 से 2024 को लेकर जी, दो बार किसान आंदोलन पंजाब से ही प्रचंड रूप लेता हुआ दिखाई दिया जी। और अभी यूपी में राम मंदिर का मुद्दा हो जी, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की कानूनी व्यवस्था हो जी। हेलो नमस्कार दोस्तों, लोकसभा 2024 के चुनाव से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट हम आपके लिए लगातार लेके आ रहे हैं। देश में चुनावी माहौल चल रहा है और देश में नेताओं की राजनीति अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कद्दावर नेता 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बीजेपी के 150 पर सिमटने का दावा कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं, क्या बीजेपी इस बार 400 पार होगी या फिर 150 पर सिमट कर रह जाएगी। तो हम सर से जानने की कोशिश करते हैं और कुछ आंकड़े हमारे पास उपस्थित हैं, उनके आधार पर हम आपको ये बताने वाले हैं कि बीजेपी का इस बार का जो 400 पार का नारा है वो कहां तक हमें सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सर, जैसा आपके सामने जो रिपोर्ट शामिल है उसमें आप बताने की कोशिश करें सर। सबसे पहले हम जाने की करें राजस्थान से, तो राजस्थान में इस बार बीजेपी का किस प्रकार का माहौल जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, देश में अभी दो गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए और इंडिया गठबंधन जी। एनडीए गठबंधन की बात करें तो उनमें मुख्य रूप से बीजेपी शामिल है जी, जो सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो वहां पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है जी। बीजेपी के नेताओं जी और प्रधानमंत्री मोदी के लगातार ये दावे हैं कि भाई हम 400 पार इस बार करने वाले हैं जी। वहीं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार ये 150 पर ही सिमट जाएंगे जी। अब किसके दावे में सच्चाई है किसके में नहीं, ये जनता में जानने की उत्सुकता बनी हुई है लगातार। अगर इतिहास को भी देखा जाए तो बीजेपी ने पहले भी ऐसे कुछ दावे किए हैं जिनमें पहले बताया कुछ और था और सीटें कुछ और आई। कांग्रेस भी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और ये कह रही है कि इनका ये 400 पार का दावा इस बार जुमला साबित होगा जी। तो सर, मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को जो कांग्रेस के जो पीछे जो कुछ बातें हुई थी उनके आंकड़े हमारे सामने हैं और उन आंकड़ों को जो है लगातार कांग्रेस के द्वारा भी साझा किया जा रहा है, तो उनके जो है मैं दर्शकों को एक बार बताना चाहूंगा। तो जैसे 2017 में कांग्रेस की अगर बात की जाए जिसने आंकड़े पेश किए हैं, तो गुजरात में बीजेपी ने कहीं ना कहीं 150 पार का नारा जो है उनके द्वारा दिया गया था, लेकिन बीजेपी 2017 के अंदर केवल और केवल जो है 99 सीटें ही जो है हासिल कर पाई थी। इसके बाद सर मैं छत्तीसगढ़ की बात करना चाहूंगा। तो सर, जैसे 2018 की बात करें छत्तीसगढ़ में, तो बीजेपी ने वहां पे 50 सीटों का जो है विधानसभा सीटों का उन्होंने नारा दिया था, लेकिन उनको सीट जो मिल पाई थी वो 15 ही मिल पाई थी। इसके बाद सर 2018 में मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने 200 पार का नारा दिया था, लेकिन वहां भी उनकी सीटें जो है 109 ही हासिल हो पाई थी उनको। उसके बाद 2018 के अंदर अगर बात की जाए मिजोरम की, तो उसके अंदर भी उन्होंने 21 पार का नारा दिया था, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक ही सीट हासिल हो पाई थी। उसके बाद झारखंड, ऐसे ही हरियाणा और दिल्ली, लगातार जो है इस प्रकार के नारा बीजेपी के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो इनमें भी जो है अगर झारखंड की बात की जाए तो इनमें जो है 65 का नारा उन्होंने दिया था, लेकिन 25 हासिल कर पाई थी। अगर बात करें हरियाणा की, तो यहाँ पे उन्होंने 75 का नारा दिया था और कहीं ना कहीं 40 उनको हासिल हो पाई थी। इसके बाद दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली के अंदर उन्होंने जो 45 सीटों का नारा दिया था, लेकिन उनमें जो है 8 सीटें ही जो है बीजेपी के खाते में कहीं ना कहीं गई थी। वेस्ट बंगाल की बात करें, जैसे कर्नाटक की बात करें, इनमें भी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी ने नारा बहुत अधिक का दिया, लेकिन हासिल जो है वो बहुत ही कम कर पाई थी। बात करें वेस्ट बंगाल की, तो इसमें जो है 118 का नारा उन्होंने दिया था, लेकिन आपको भी पता है कि किस प्रकार की राजनीति हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है, तो वहां पे जो है बीजेपी को 2021 के अंदर केवल जो है 4 सीटें ही हासिल हो पाई थी। तो ऐसे ही 2023 के अंदर कर्नाटका में 130 सीटों का जो है उन्होंने बात की थी, लेकिन उनको केवल 66 सीटें जो है मात्र उनको हासिल हो पाई थी। तो इस प्रकार के नारे जो है बीजेपी के द्वारा लगातार जो है हर बार के चुनाव के अंदर उनके कह सकते हैं कि एक बार चुनावी जो है माहौल बनाने के लिए इस प्रकार जनता के सामने रखे जाते हैं। लेकिन अगर बात करें पिछले आंकड़ों की, तो अभी तक जो है उनके ऐसे कोई आंकड़े पेश नहीं हुए। तो सर, अभी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो फिलहाल के जो लोकसभा चुनाव है इनमें जो है बीजेपी 400 पार का नारा आप भी देख रहे हो कि लगातार जो है हर चुनावी आप इनके मुद्दे उठा लो, या फिर कोई चुनावी रैली के अंदर प्रधानमंत्री जी को देख लो, आप अमित शाह जी को देख लो, ये लगातार 400 पार का नारा देते जा रहे हैं। तो इस बार हम शुरुआत करते हैं कि राजस्थान की राजनीति से, क्योंकि लगातार अपने पास सर्वे रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, तो इसमें जो है किस प्रकार की राजनीति अपने को देखने को मिल रही है और कितनी सीटें जो है राजस्थान की 25 सीटों में से बीजेपी को मिल पाएंगी। देखो, जैसा कि आपने बताया, पहले भी ऐसे बहुत सारे नारे दिए गए
2017 से लेकर हमने 2023 तक की चर्चा करी जी, कि बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे नारे दिए जो नारे कुछ और थे और जो रिजल्ट्स थे वो कुछ और थे जी। ऐसे ही कांग्रेस इन दावों को लेकर ये कह रही है कि इस बार भी ये 400 का दावा ऐसे ही जुमला निकलेगा जैसे पहले ये दावे जुमले निकल चुके हैं। अब अपन आगे इस वीडियो में बात करते हैं कि ये दावा सच होगा या नहीं, कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है, इसके बारे में अपन विवेचन करेंगे जी। तो चलिए, जैसे आपने सबसे पहले पूछा राजस्थान के बारे में, राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। अगर अभी जितने भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, फलौदी सट्टा बाजार की भी रिपोर्ट्स आई है जो हमने अपने दर्शकों के साथ शेयर करी है, उसमें सीटें उनको मिलती दिख रही हैं 16 से 17 जी। मतलब एवरेज सभी सर्वे को देखें तो सभी सर्वे के अनुसार 16-17 सीटें मिल रही हैं जी। ये 16-17 हम कम से कम 6 से 7 सर्वे को मिश्रण करके एवरेज रिपोर्ट ये बता रहे हैं जी सबको। तो अगर मान लो 25 में से 16-17 फलौदी सट्टा बाजार के सर्वे देख लो, अन्य सर्वे देख लो, कभी किन्हीं प्राइवेट एजेंसियों ने करे हैं जैसे जैसे, वहीं हमारे रिपोर्टर्स की या जो हमारा इंटरनल सर्वे है वो इसमें एक सीट बीजेपी को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है जी। और यहाँ पर बीजेपी को 17 से 18 सीटें आ रही हैं जी। यानी कि जो सर्वे का एवरेज आ रहा है वो 16-17 है, वहीं अगर हमारा जो सर्वे कह रहा है वो 17 से 18 है जी। अगर हम देखें पिछले दो बार के चुनाव से, पिछली बार बीजेपी को यहाँ पर 25 की 25 सीटें मिली थी जी, 2014 में 25 की 25 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार हम दोनों सर्वे से कंपेयर करें तो 8 से 10 सीटों का नुकसान राजस्थान में होता हुआ दिखाई दे रहा है जी। तो सर इसके बाद जैसे राजस्थान का हाल जो है आपने अपने दर्शकों को बताया, इसके बाद हम अगर नेक्स्ट स्टेट के ऊपर चलना चाहें जो मध्य प्रदेश की राजनीति है उसके अंदर किस प्रकार का माहौल जो है बीजेपी का देखा जा सकता है, तो वो है आपकी क्या रिपोर्ट सामने आ रही है और जो आपके रिपोर्टर्स लगातार सर्वे कर रहे हैं उनके द्वारा जो क्या रिपोर्ट सामने आई है वो आप एक बार दर्शकों को बताएं। देखो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा की जी, जितने भी सर्वे आए हैं उनको एवरेज निकालें तो उन सर्वे के अनुसार 27 से 29 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं जी। अपने जो सर्वे आया है, जो अपने रिपोर्टर्स ने किया है, अपनी जो इंटरनल्स रिपोर्ट्स है उनके अनुसार 26 से 27 बीजेपी को सीट जाएंगी जी। यहाँ पर भी 1 से 2 सीट का लॉस होता हुआ दिख रहा है जी। अगर मैं 2019 की बात करूं जी, तो 2019 में बीजेपी को यहाँ पर 28 सीटें मिली थी जी, यानी कि 1 सीट वहाँ पर भी कम थी, इस बार भी 1 सीट या 2 सीट का नुकसान हो सकता है जी। क्या तो बीजेपी बराबर पे ही रह सकती है 2019 से कंपेयर करें तो जी, या फिर उनकी 1 सीट और भी कम हो सकती है जी। तो सर जैसे आपने मध्य प्रदेश का हाल अपने दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेट जो है काफ़ी रोचक जो है राजनीति भी वहाँ की देखी जा रही है अभी हाल ही के दिनों में, मैं बात कर रहा हूँ सर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो है किस प्रकार की राजनीति जो है वो देखी जा रही है और मोदी सरकार की यूँ कहें कि कितनी सीटें जो है इस बार महाराष्ट्र के अंदर जो है वो आ सकती हैं। देखो महाराष्ट्र में अगर पार्टियों के देखें तो 4-5-6 दड़ों में बट गई हैं पार्टियाँ। अब एक कांग्रेस है, कांग्रेस के बाद शिवसेना है, एक उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है, एक शिंदे जी की शिवसेना है, ऐसे ही एक एनसीपी भी 2 दड़ों में बढ़ चुकी है। जैसे शिवसेना वहां पर 2 है, ऐसे ही एनसीपी 2 हो गई है जी। एक अजीत पवार जी की एनसीपी है, एक शरद पवार जी की एनसीपी है, और कांग्रेस और बीजेपी तो है ही, ऐसे मतलब मिलाकर 6 पार्टियां हो गई हैं जी। और ये 6 पार्टियां 3 एनडीए में चली गई हैं और 3 इंडिया में हैं जी। एनडीए के अगर समर्थकों की मैं बात करूं तो एनडीए में बीजेपी है, बीजेपी के साथ अन्य दल अगर बात करूँ तो शिंदे जी की शिवसेना और अजीत पवार जी की शिवसेना जी। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करूँ तो उसमें कांग्रेस मुख्य पार्टी है, उसी के साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की, साथ ही शरद पवार जी की एनसीपी जी उसमें शामिल है। तो यानी कि 6 पार्टियों का मिलान करके और अब 2 दड़े बन चुके हैं जी। तो सीटें जो है बीजेपी को कितनी मिल पा रही है इनमें? अब इन 2 दड़ों की अगर बात करें तो देखो वहाँ पर टोटल 48 सीट है जी, जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक सीटें हैं लोकसभा की जी। वहाँ पर 20 से 22 सीटें एवरेज जो आ रही है सीटों की वो निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, ये बीजेपी की सीटें नहीं है, ये एनडीए की सीटें हैं जी। और अगर हमारे जो इंटरनल्स रिपोर्ट जो कह रही हैं उनके अनुसार भी 21 से 22 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिख रही हैं जी, यानी कि आंकड़ा लगभग लगभग बराबर सा है। और यहाँ पर अगर लॉस की बात करूँ तो पिछली बार 2019 में बीजेपी को यहाँ पर 23 सीटें मिली थी, और अगर उनके गठबंधन की बात करूँ एनडीए को तो 41 सीटें मिली थी जी। लेकिन इस बार अगर 41 से कंपेयर करें तो 25 से 28 सीटों का नुकसान यहाँ पर होता दिख रहा है, जो कि शायद एक बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी के लिए
भविष्य में साबित भी होगा जी। तो जैसा आपने महाराष्ट्र का जो है हाल अपने दर्शकों के साथ साझा किया, तो इसके बाद सर मैं नेक्स्ट एक स्टेट है जिसकी हाल ही के अंदर राजनीति की बहुत ज़्यादा चर्चाएं भी हुई और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन जो देश के अंदर इतना बड़ा आंदोलन हुआ था उससे भी वो संबंधित है, या प्रदेश जो कहे वो खिलाड़ियों के रूप में जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ सर हरियाणा की, और हरियाणा के बारे में आप जानते हैं कि दूध दही का खाना ऐसा ही हमारा हरियाणा, तो ये बातें जो प्रसिद्ध है हरियाणा के बारे में, तो इनकी सीटों के बारे में जो मैं आपसे चर्चा करना चाहूँ, तो इस बार की जनता जो है बीजेपी के प्रति कितना जो है लगाव, आपके यूँ कहें कि कितना प्रेम जो है उनके द्वारा बीजेपी की सीट या उनके प्रत्याशियों के जरिए जो है दिखाया गया है। देखो जैसे आपने हरियाणा की बात करी, हरियाणा की आपने ऐसे बोला कि खिलाड़ियों का प्रदेश है जी, तो जो खिलाड़ियों के साथ जो अपमान हुआ था उसके वजह से वहाँ के लोगों में भी गुस्सा है जी। किसान आंदोलन भी एक फैक्टर है जी। और एक फैक्टर जाट समुदाय में खिलाड़ियों का अपमान भी है जी। जितने भी खिलाड़ी हैं वो शायद सामने आके नहीं बोल रहे थे, पर अब चुनाव में जरूर नाखुश हैं जी। अगर पर्दे के पीछे जब उनके बिना माइक से बात करी जाती है तो वे यही कहते हैं कि बीजेपी ने खिलाड़ियों के साथ गलत किया है जी। उनको उनकी बात सुननी चाहिए थी। अगर इन चीज़ों को सबको मिला के देखें तो बीजेपी को यहाँ पर नुकसान होना चाहिए जी। चलिए अब सर्वे के आधार पर जानते हैं कि नुकसान हो रहा है या नहीं जी। अगर देखो वहाँ पे हरियाणा में 10 सीटें हैं जी, बीजेपी दो बार से 10 की 10 सीटें जीतती आई है, चाहे वो 2019 का चुनाव हो या 2014 का चुनाव हो। लेकिन अब जो जितने भी सर्वे आए हैं उनके अनुसार 6 से 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हमने जो हमारा सर्वे किया है उसमें बीजेपी उससे भी नीचे जा रही है। बीजेपी को सिर्फ 4 से 5 सीटें ही यहाँ पर मिल रही हैं। बीजेपी को यहाँ पर करीब करीब 5 सीटों का नुकसान हो रहा है जी, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का यह राज्य भी कट रहा है राजस्थान के बाद जी। तो इसमें जो है बीजेपी कहीं ना कहीं पिछली बार की तुलना में जो यूं कहें कि इस बार जो है उनको सीटों का नुकसान जो है वो देखना पड़ सकता है। सीधा सीधा आप ये मानिए ना कि अगर 100% परफॉर्मेंस अगर बीजेपी की यहाँ पे रहती थी जी, तो अब 50% ही परफॉर्मेंस रह रही है जी। तो सर जैसा आपने हरियाणा का हाल अपने दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर मैं एक और नेक्स्ट स्टेट पे चलना चाहूँगा जो कहीं ना कहीं देश के अंदर अन्न का कटोरा जिसको कहते हैं, और वहाँ के किसान जो है वो पूरे देश के अंदर विख्यात है, और कहीं ना कहीं भूखे आदमी का पेट भरने का काम जो है उनके उस राज्य के द्वारा किया जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ सर पंजाब की, तो पहले पंजाब की राजनीति में हमें बीजेपी और कांग्रेस देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार की राजनीति से हमें जो है बड़ा बदलाव जो इसके अंदर देखने को मिला है, और नई पार्टी जो है यूं कहेगी सत्ता के अंदर जो है पंजाब में हमें देखने को मिली। तो इसकी जो है इस नई पार्टी के आने से जो है उनकी बीजेपी के ऊपर किस प्रकार का इफेक्ट, या यूं कहें कि कितनी जो है सीटें बीजेपी की कम या ज़्यादा हो सकती हैं, तो इसके ऊपर आपकी रिपोर्ट्स क्या कह रही है? जैसा कि आपने कहा कि पंजाब अन्नदाता का प्रदेश है जी, आपने देखा होगा कि बीजेपी का जो ये टेन्योर था 2019 से 2024 को लेकर जी, दो बार किसान आंदोलन पंजाब से ही प्रचंड रूप लेता हुआ दिखाई दिया जी। अब इसका इफेक्ट ये सर्वे में देखने को मिल रहा है या नहीं, चलिए सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जानते हैं जी। वहां पर पंजाब में 13 सीटें हैं लोकसभा की, 13 में से अगर सर्वे रिपोर्ट्स की माने बीजेपी या एनडीए गठबंधन के खाते में सिर्फ 1 से 2 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और अपनी जो रिपोर्ट्स आ रही है वो भी इसके बिल्कुल बराबर है, 1 से 2 सीटें ही अपनी रिपोर्ट्स भी यही बता रही हैं जी। बीजेपी को यहाँ पर सीधा सीधा 3 से 4 सीटों का लॉस हो रहा है, क्योंकि बीजेपी को 2019 में यहाँ पर 4 सीटें एनडीए गठबंधन को, 2 बीजेपी को मिली थी जी। तो यानी कि सीधा सीधा किसान आंदोलन का इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी की सीटों में, करीब करीब 2 सीटों का नुकसान तो बीजेपी को यहाँ पे हो ही रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ की राजनीति की, यहाँ पर आम आदमी पार्टी अलग से लोकसभा चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ रही है, बीजेपी अलग से चुनाव लड़ रही है, और वहीं अकाली दल भी अलग से चुनाव लड़ रहा है जी। कोई भी किसी के साथ नहीं है, और इसका नुकसान कहीं ना कहीं चारों पार्टियों को भी देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं वोट एक दूसरे का वो काटते हुए दिखाई देंगे जी, और उनकी राजनीति जो है आपस के अंदर ही घुलमिल के वहीं पे जो है रह जाएगी, और कोई भी पार्टी यूं कहे कि अच्छी जो है सरकार वहां से तो लोकसभा सीट जो है नहीं दे पाएगी। हाँ यही इसका अगर सर्वे को माने तो यही है कि किसी पार्टी को 2 सीट आ जाएंगी, किसी को 3 आएंगी, कि कोई भी पार्टी प्रमुख रूप से सामने नहीं आ पाएगी जी। यानी कि बात यह है कि सबका भला हो रहा है जी। तो सर जैसे बात करें, हमने बात की पंजाब की, पंजाब के बाद सर मैं नेक्स्ट स्टेट एक जो प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए जो है एक परफेक्ट स्टेट है, और वहीं से जो है हमारे पीएम जो है कल लगभग 3 बार जो है वहाँ के यूके मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद जो है देश की इतनी बड़ी कमान उन्होंने संभाली,
तो उस स्टेट की मैं बात करना चाहूंगा, तो गुजरात के बारे में जो है मैं जानना चाहता हूं, और हमारे दर्शक भी जो है इस चीज का काफी देर से इंतजार कर रहे होंगे, तो इसमें जो है किस प्रकार की राजनीति जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। देखो, जैसे आपने बताया कि आप बताना चाह रहे थे कि भाई गुजरात मॉडल के ब्याज पे प्रधानमंत्री देश की सत्ता पे काबिज हुए। अब गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात उनका खुद का प्रदेश है, वहीं से प्रधानमंत्री आते हैं, वहीं पे उनका जन्म हुआ, वहीं पे वो रहे जी। तो गुजरात कभी भी प्रधानमंत्री को निराश नहीं करता है, चाहे वो 2014 हो 2019 हो। लेकिन इस बार की सर्वे रिपोर्ट को माने तो गुजरात भी निराश करता हुआ प्रधानमंत्री को दिखाई दे रहा है जी। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं जी, और इस बार बीजेपी को जितने सर्वे की अगर एवरेज निकालें तो 23 से 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं हमारा जो सर्वे है हमारे रिपोर्टर्स के द्वारा जो आ रहा है उसके अनुसार भी 24 से 25 सीटें बीजेपी को मिल रही है जी। करीब करीब एक या दो या तीन सीटों का लॉस बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है जी। यानी कि अब की बार गुजरात भी कहीं ना कहीं निराश करता हुआ दिखाई दे रहा जी। है। ये सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में भी जा सकती हैं और कुछ सीटें कांग्रेस के खाते में भी जा सकती हैं इन तीन सीटों में से, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी वहां पर चुनाव लड़ रही है जी। तो सर, जैसा गुजरात का हाल आपने बताया, इसके बाद सर एक और स्टेट जो है, या यूं कहें केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी सीटों के ऊपर कब्जा करना, या यूं कहें कि वहां की जो है राजनीति हमें लगातार बीजेपी कांग्रेस या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी, लगातार वैसे देखा जा रहा है कि वहां की जो विधानसभा है वहां पे तो जो आम आदमी पार्टी जो है वो कब्जा लगातार किए हुए है। लेकिन हम बात करें सर लोकसभा सीटों की, तो दिल्ली के अंदर किस प्रकार की राजनीतिक माहौल जो है हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2014 और 2019 के अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी को दिल्ली की जनता ने जिताने का काम किया, लेकिन इस बार की राजनीति की अगर बात की जाए तो वहां पे जो है आपको नहीं लगता कि केजरीवाल का जो एक फैक्टर है वो दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं काम करेगा और बीजेपी की सीट घटाने का जो है वो एक मुद्दा हो सकता है? जैसे आपने पूछा जी, दिल्ली दिल्ली दिल वालों की है जी, पर दिल्ली दिल वालों की अलग अलग हो जाती है। जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो अलग होती है दिल्ली, और अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो दिल्ली अलग होती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को दिल में रखती है जी, और जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को दिल में रखती है जी। ऐसा ही हमें पिछले 10 सालों से देखने को मिल रहा है जी। विधानसभा चुनाव में केजरीवाल जी जीतते हैं और लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आती है, यानी कि 7 की 7 सीटें वहां पर मिल जाती है जी। और ये लड़ाई जितनी भी हो रही है लोकसभा चुनाव की, वो भी दिल्ली के लिए ही हो रही है जी। सबको दिल्ली की कुर्सी पर आना है जी। तो दिल्ली इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, दिल्ली पे हर कोई राज चाहता है जी। तो दिल्ली में अगर 7 लोकसभा सीटें हैं और 7 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो जितने सर्वे आ रहे हैं जी उनके आधार पर बीजेपी को इस बार भी 6 से 7 सीटें मिल जाएंगी। या तो वो पूरी ही सीटें जीत जाएंगे या फिर उनको एक सीट का लॉस होगा जी। वहीं अपनी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके आधार पर बीजेपी को यहाँ पर 4 से 5 सीटें मिलेगी। कोई बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिल रही है, सिर्फ एक ही सीट मिल रही है जी। वैसे अगर बीजेपी को नुकसान की भी बात करें एवरेज की, तो 30 से 40% ही नुकसान होगा। अगर लॉस की बात करें तो 2 या 3 सीटों का लॉस होगा, जो 30 से 40% ही नुकसान है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी का 90% वोट खिसक गया हो यहाँ पर नुकसान जरूर होता दिख रहा है। क्या तो बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटों का नुकसान होगा, 2 का भी हो सकता है और 1 का भी हो सकता है जी। तो सर, जैसा दिल्ली का हाल आपने दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर मैं नेक्स्ट स्टेट बिहार के ऊपर चलना चाहूंगा, जहां की राजनीति जो है दल बदल के नियम से भी जो है एक प्रकार से देखी जा सकती है कि हाल के अंदर आप जानते हो किस प्रकार के दल बदल जो है इस राज्य के अंदर हमें देखने को मिले, और यहाँ की जनता जो है हालांकि इस दल बदल से जो है कहीं ना कुछ भी हमें दिखाई दी, और कहीं जो है लोग इसकी जो है तारीफ भी इस दल बदल की जो है करते हुए नजर आए। लेकिन हम बात अब लोकसभा चुनाव की करें तो पार्टियां जो है गठबंधन के साथ जो है लगातार जुड़ी हुई है, अपने चुनावी प्रचार को जो है आगे बढ़ा रही है, तो उनके जो है गठबंधन करने से बीजेपी को जो है कोई भारी नुकसान इनकी सीटों के ऊपर देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा, तो किस प्रकार की रिपोर्ट सामने आ रही है तो आप दर्शकों के साथ एक बार साझा करें। जैसे आपने बताया बिहार में दल बदल की बात करी जी, देखो पिछले 10 सालों में एक ऐसे राजनेता हैं बिहार में जी जिन्होंने किसी को भी कुर्सी से वंचित नहीं रखा जी, मतलब विपक्ष को वंचित नहीं रखा। कभी उस विपक्ष को कुर्सी पे ले आते हैं, कभी उस विपक्ष को कुर्सी पे ले आते हैं जी। पहले आरजेडी के साथ थे, फिर बीजेपी के साथ आए, फिर आरजेडी के साथ गए, अब फिर बीजेपी के साथ हैं जी। यानी कि विपक्ष को उन्होंने रखा ही नहीं है जी, सबको बराबर सत्ता पर काबिज रखा है और सबको हिस्सा दिया है बराबर का जी।
पर इसमें जनता का फायदा होता है या नुकसान, ये तो वहां की जनता वोट के माध्यम से इस बार बताएगी। जी अगर पिछले चुनाव में अगर बात की जाए तो बीजेपी का एनडीए गठबंधन जो नीतीश कुमार जी के साथ था उसको 39 सीटें मिली थी वहां पर, जिसमें पासवान जी को 6 सीटें और नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू को 16 सीटें, वहीं बीजेपी को 17 सीटें मिली थी। यानी कि कुल मिला के एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी। जी अगर 40 सीटों में से बात की जाए तो इस बार 20 से 22 सीटें ही बीजेपी को आती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि एनडीए गठबंधन को, ये बीजेपी को नहीं एनडीए गठबंधन को, जिसमें अब नीतीश बाबू भी आ गए और प्लस चिराग पासवान का जो गठबंधन है वो भी आ गया। जी और एक मांझी भी एक सीट से खड़े हैं, उनकी भी गठबंधन। अगर 40 सीटों में से बात की जाए तो इस बार 20 से 22 सीटें ही बीजेपी को आती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि एनडीए गठबंधन को, ये बीजेपी को नहीं एनडीए गठबंधन को, जिसमें अब नीतीश बाबू भी आ गए और प्लस चिराग पासवान का जो गठबंधन है वो भी आ गया। जी और एक मांझी भी एक सीट से खड़े हैं, उनकी भी गठबंधन इसमें आ गया है। जी वहीं अगर हमारे जो रिपोर्टर्स बता रहे हैं लोकल लेवल पे, वो बता रहे हैं कि 22 से 25 सीट बीजेपी को आ जाएगी यहाँ पे। बीजेपी अगर लॉस देखा जाए जो पिछली बार 39 सीटें थी 2019 में, इस बार 15 से 18 सीटों का पूरा पूरा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। जी यानी कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं पहले जो एक सीट पर सिमटा हुआ था 2019 चुनाव में, जब विपक्ष सिर्फ जो एक सीट पर था, वो अब इस बार सीटें को दुगना से 4 गुना बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी और शायद शायद इंडिया गठबंधन बनाने का फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ या इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है बिहार में तो। जी तो सर, जैसा आपने बिहार का हाल दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर मैं नेक्स्ट स्टेट छत्तीसगढ़ के बारे में जानना चाहूंगा कि किस प्रकार की जो मिली जुली राजनीति जो है इस बार लोकसभा चुनाव में हमें वहां देखने को मिलेगी। तो रिपोर्ट्स जो है हमारे रिपोर्टर से लगातार जो है, आप जानते हो कि गर्मी जो है स्टार्ट हो चुकी है और गर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन वो लगातार जो है मेहनत करके हमारे सामने सर्वे जो है वो लेके आ रहे हैं, तो उनकी जो सर्वे रिपोर्ट है वो आप एक बार दर्शकों के साथ साझा करें कि किस प्रकार की जो है सीटें जो है लोकसभा में देखने को मिल सकती है। देखो जैसे आपने पूछा कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। जी बीजेपी पिछले बार यानी कि एनडीए गठबंधन 9 सीटें जीता था। जी लेकिन इस बार अगर रिपोर्ट्स की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 6 से 7 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। जी वहीं हमारे रिपोर्टर्स की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि 8 से 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जी अगर लॉस की बात की जाए तो यहाँ पर क्या तो 2 सीटों का लॉस होगा या फिर लॉस कुछ भी नहीं होगा, जो पिछली बार की सीटें थी उतनी ही रह जाएंगी। जी तो इस हिसाब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की परफॉर्मेंस अगर इतनी दुख देने वाली नहीं है। जी तो सर, जैसे हमने हाल जो है अभी छत्तीसगढ़ का जाना, इसके बाद सर एक नेक्स्ट स्टेट जैसे छत्तीसगढ़ के बाद अगर हम जानना चाहें झारखंड का, तो झारखंड के अंदर जो है किस प्रकार का माहौल इस लोकसभा चुनाव के अंदर, या यूं कहें कि वहां की जनता के द्वारा किस पार्टी को अपने मत द्वारा जो है विश्वास एक प्रकार से दिखाया जा रहा है। देखो झारखंड की राजनीति भी इस टाइम उबाल पर है। जी दिल्ली के मुख्यमंत्री के पहले झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में गए थे। जी और देश में पूरा विपक्ष ये बोलकर भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रहा है कि दो दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया। जी तो ये मुद्दा वहां पर भी काफी गर्म है। जी अब इस गर्माहट का फायदा विपक्ष को मिल रहा है या नहीं, चलिए सर्वे के आधार पर जानते हैं। जी देखो झारखंड में 14 सीटें हैं लोकसभा की टोटल, और वहां पर सर्वे के आधार से माने तो 6 से 7 सीटें बीजेपी के यानी कि एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अपनी रिपोर्ट्स को माने तो 5 से 6 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लॉस की बात करें, अगर बीजेपी की 2019 की बात करें तो एनडीए को 12 सीटें आई थी, जो कांग्रेस के साथ जो गठबंधन था यूपीए उसको 2 सीटें आई थी। जी लेकिन इस बार यहाँ पर 4 से 5 सीटों का बीजेपी को लॉस होता दिख रहा है पिछले बार से, और बीजेपी आधे पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, और आधी सीटों पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन काबिज होता हुआ दिख रहा है। जी तो सर, जैसा हमने दर्शकों के साथ झारखंड का हाल अभी साझा किया, इसके बाद सर मैं एक नेक्स्ट स्टेट की जो है चर्चा करने चाहूंगा, जिसने आज तक जो है देश को सबसे ज्यादा पीएम जो है वो दिए हैं, यानी कि प्रधानमंत्री उस राज्य से जो है चुनाव लड़के कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं, और आने वाले अभी प्रदेश के अंदर उसके जो मुख्यमंत्री हैं वो भी हो सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद एक नेक्स्ट उम्मीदवार के चेहरे के रूप में देश में देखे जा सकते हैं। तो सर
प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश की, और कहीं ना कहीं लोकसभा सीटें भी जो है इस प्रदेश की सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे जो किस प्रकार की राजनीति जो है वो हमें देखने को मिल रही है, और सर्वे रिपोर्ट आपकी जो है क्या कह रही है? देखो जैसे आपने यूपी की बात की जी, देखो प्रधानमंत्री यहाँ पे सही कहा आपने, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री इसी स्टेट से निकल के आए हैं जी, और अभी यूपी में राम मंदिर का मुद्दा हो जी, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की कानूनी व्यवस्था हो जी, जिसके आधार पर जनता में यूपी की में विश्वास दिख रहा है जी, तो आइए जानते हैं सर्वे में भी ये विश्वास दिख रहा है या नहीं जी। देखो यूपी में सबसे ज्यादा सीट आती हैं, और यूपी में जो सत्ता पे जीतेगा, मतलब जो सबसे ज्यादा सीटें निकालेगा, उसके लिए आसान हो जाता है जी दिल्ली की सत्ता में काबिज होने का जी। देखो 80 सीटें आती हैं, और बीजेपी इस बार भी कोई बड़ा नुकसान वहां पर होता हुआ नहीं दिख रहा है जी, जबकि सर्वे रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि पिछली बार बीजेपी को यहाँ पे 62 सीटें आई थी, इस बार 60 से 65 सीटें निकल सकती है, यानी कि बीजेपी को यहाँ पर 2 से 3 सीटों का फायदा भी हो सकता है और 2 सीटों का नुकसान भी हो सकता है जी। लेकिन कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है, और बीजेपी यहाँ पर क्या तो 60 से 65 सीटें लेके जाएगी या फिर 60 तक रह जाएगी जी, तो मतलब अगर कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा, इसका बड़ा इम्पैक्ट देश की टोटल लोकसभा सीटों में बीजेपी को देखने को मिलेगा जी। और कहीं ना कहीं यूपी की जनता के द्वारा जो है इस बार बीजेपी को कहीं ना कहीं विश्वास जो है उनके द्वारा जताया भी जा रहा है। इसके बाद सर एक नेक्स्ट स्टेट जिसको बीजेपी के द्वारा हर बार जीतने की जो है, अगर विधानसभा चुनाव की यूं कहें या फिर लोकसभा चुनाव आप ले लो, उस स्टेट के प्रति जो है तो वहां की जनता के दिलों में जो है जगह बनाने की बीजेपी की कोशिश जो है वो लगातार रही है, तो मैं बात कर रहा हूँ सर वेस्ट बंगाल की, जहाँ की राजनीति में मुझे नहीं लगता कि अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी ने जितनी जो है कोशिशें की, और उसके बावजूद जो है उन्हें विधानसभा के अंदर जो सीटों का हार जो है वो सामना करना पड़ा उनको, लेकिन अब सर लोकसभा की अगर हम बात करना चाहें तो इसमें जो है किस प्रकार की राजनीति या वहाँ की जनता जो है प्रधानमंत्री को एक तो किस प्रकार की सर्वे जो सामने निकल के आ रही है उनके ऊपर जो है दर्शकों को आप बताएं। देखो पहले मैं वेस्ट बंगाल का पूरा गणित समझा देता हूँ लोगों को जी। देखो वहाँ पर इंडिया गठबंधन नहीं है जी, कई लोगों को ये डाउट है कि वहाँ पर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ लड़ रही है जी, लेकिन आपको बता दें कि वहाँ पर इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पर कांग्रेस अलग लड़ रही है और टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, वहीं बीजेपी भी अपने आप में अलग चुनाव लड़ रही है जी। अब बीजेपी हमेशा ये कहती है कि विधानसभा चुनाव अलग होते हैं और लोकसभा चुनाव अलग होते हैं जी, जो विधानसभा चुनाव में वहाँ की जनता ने उनको हार थमाई थी जी, वो लोकसभा चुनाव में देखने को नहीं मिलेगा जी। लेकिन वहीं टीएमसी एक दावा कर रही है कि वो एकले चलकर भी, यानी कि उनका नारा भी है एकला चलो जी, तो अगर वो एकले चलकर भी बहुत अधिक सीटें लोकसभा में निकालने जा रहे हैं। चलिए सर्वे के माध्यम से जानते हैं किसको क्या सीटें वहां पर मिल रही है जी। अगर वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो वहां पर 42 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से सर्वे रिपोर्ट को माने तो 18 से 20 बीजेपी के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है जी। वहीं अगर आपकी मैं बात करूं तो हमारे सर्वे की, तो यहां पर 16 से 20 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है जी, यानी कि बीजेपी को पिछले बार यहां पर 18 सीटें मिली थी जी, इस बार करीब करीब 1-2 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, यानी कि नुकसान ही हो रहा है, बीजेपी का कोई फायदा होता हुआ यहाँ पे नहीं दिख रहा है जी। लेकिन सर अगर बात की जाए वेस्ट बंगाल की, जैसे आपने कहा कि ममता बनर्जी अकेला चालू क्या नारा जो है उसके ऊपर चली हुई है, तो टीएमसी की जो कितनी सीटें जो है वो हमें देखने को मिल सकती है कि लोकसभा के अंदर जो है कितनी सीटें टीएमसी के द्वारा जो है वो हासिल की जा सकती है? देखो वहां पर कांग्रेस भी इतनी मजबूत नहीं है जी, वहां पर अगर चुनाव देखा जाए तो टीएमसी वर्सेस बीजेपी का ही है। कांग्रेस ने वहां पर पिछले बार 2 सीटें निकाली थी, और इस बार भी अनुमान यही है कि वो 2 सीटें क्या तो वो बचा लेंगे या फिर उन 2 सीटों में से भी एक सीट उनकी थी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष थे अधीर रंजन जी, जी जिसको देश में हर कोई जानता है, अब एक सीट वो थी और एक सीट और थी। अब ये लगता है कि उन 2 सीटों में से एक सीट तो शायद निकल जाएगी, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जनता भी समझ गई होगी जी, और एक सीट फिर भी फंसती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर मैं टीएमसी की बात करूं तो अगर बीजेपी यहां पर 16 से 20 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, इतना ही आंकड़ा टीएमसी का भी रहता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ममता दीदी बीजेपी से कहीं भी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है यहां पर, मतलब दोनों का आंकड़ा बराबरी पे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जी। तो सर जैसा आपने अभी पश्चिम बंगाल का हाल जो है दर्शकों के साथ साझा किया, जो अपनी रिपोर्ट सामने लगातार निकल के आ रही है उनके आधार पर भी, और जो और सर्वे है
जो अलग अलग एजेंसियों द्वारा जो है लगातार देश के अंदर बताई जा रही है उनके आधार पर भी। तो सर अगर मैं टोटल सीटों की काउंट करना चाहूँ कि बीजेपी ने जो 400 पार का नारा जैसे आप हमने वीडियो के शुरू में भी बताया था, तो वो कहीं ना कहीं आपको पूरा होता हुआ नजर आ रहा है या फिर कांग्रेस का 150 पर सिमटने वाली बात कहीं ना कहीं सच हो जाएगी, तो किस प्रकार का जो है अगर टोटल करके हम पूछना चाहें आपसे तो किस प्रकार का माहौल जो है वो इस रिपोर्ट्स में दिखाई दे रहा है? देखो मैं अगर दोनों के ही दावों की बात करूं जी, तो सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मुझे दोनों के ही दावे जुमले ही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो 400 पार का दावा हो या फिर 150 पे रुक जाने का ही दावा हो जी। अगर सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर माने 240 से 260 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। पिछले बार बीजेपी के खाते में 303 सीटें आई थी और अब हमारा आंकड़ा कह रहा है कि 240 से 260 सीटें आ रही हैं जी, जो बहुमत के आंकड़े से कहीं करीब करीब 10 या 12 सीटें दूर बीजेपी रहने वाली जी। है। इसके बाद सर इंडिया अलायंस की बात करें, जो देश ने जो है एक नया या यूं कहें कि राजनीति के अंदर एक नया मोड़ जो है इस अलायंस के द्वारा देखने को मिला, तो इसमें जो है सीटों में किस प्रकार का उतार चढ़ाव या यूं कहें कांग्रेस को इससे कितनी सफलता जो है वो मिली है, तो वो दर्शकों के साथ एक बार साझा करें। देखो इंडिया गठबंधन का हमने काफ़ी रिपोर्ट्स में बात की है जी, तो जो इंडिया के सहयोगी दल हैं वो कांग्रेस से ज़्यादा सीटें निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की मैं बात करूं तो यहाँ पर कांग्रेस की सीटें 80 से 100 ही होंगी, बाकी जो बची हुई सीटें हैं वो उनके अन्य जो दल उनके साथ जो क्षेत्रीय दल आए हैं वो जीतने वाले हैं। अगर मैं इंडिया गठबंधन की बात करूं तो उनका आंकड़ा जो आ रहा है सर्वे के आधार पर 220 से 250 सीटें उनके खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं जी। इसका मतलब है कि जो उनके अन्य घटक हैं उनको 100 से 150 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि कांग्रेस से अधिक उनके घटक सीटें निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। जिसका साफ साफ मतलब है इंडिया गठबंधन बनाने का फायदा कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है अगर इस सर्वे रिपोर्ट्स को आधार माने तो जी। वहीं अंत में मैं बात करूं अदर्स की, तो अदर्स की बात करें तो उनको भी 30 से 40 सीटें इस बार मिलती हुई दिख रही हैं, यानी सरकार बनने की संभावनाएं दोनों की हैं, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया जी। मेन फैक्टर जो रहेगा वो अदर्स का होगा। तो सर मैं यहाँ पे जाते हुए दर्शकों को एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर उनके हिसाब से इन लोकसभा सीटों में कोई और उतार चढ़ाव या फिर यूं कहें कि उनको लगता है कि देश का अगला पीएम जो है कौन हो सकता है, तो उसके लिए जो है नीचे हमारा कमेंट बॉक्स लगातार जो है ओपन है, उसमें आप कमेंट जो है करके बता सकते हैं। और ये वीडियो आप किसी भी स्टेट से देख रहे हो जिनकी चर्चा हमने हाल ही वीडियो में करी, तो नीचे जो है कमेंट करके आप हमें बताएं कि बीजेपी या कांग्रेस कितनी सीटें जो है इसमें हासिल कर सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और हम लगातार आपके सामने यूं ही पेश होते रहेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।